सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, बस अभी सो के उठे हैं और अभी हो रहा है शाम का टाइम, 5 बज रहे हैं। मायरा मेरी जो है अभी तक भी सो रही है, तो सो रही है। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अब मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा थोड़ा जो भी है ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि मैंने बीच में छोड़ दिया था। और फिर मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा जो भी अपडेट जो भी है डालते रहे तो अच्छा रहे, तो इसलिए मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं अब क्या होता है, तो सारा आपके साथ शेयर करेंगे। और आज मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई हूँ। आज मेरा मैंने थोड़ा हुलिया चेंज किया है, मन ही नहीं करता यार। बहुत बुरी हालत हो रही है, मतलब अभी इतनी गंदी हालत है कि किसी चीज़ का भी मन नहीं करता। पर मैंने सोचा थोड़ा सा अच्छा रखते हैं अपने आप को, तो चलते हैं और देखते हैं। तो ये देखो मम्मी बना रहे हलवा। गुड़ डाला है क्या? नहीं, गुड़ नहीं डाला। गुड़ डालूं? गुड़ डालूं? अच्छा, तो वो वैसे बना रहे। बता, गुड़ ना डालूं चीनी डालूं? देख लो, तेरे को सही लग जाएगी गुड़ का? खा लूंगी मैं तो, गुड़ का भी खा लूंगी ऐसा कुछ। तो गाइस मम्मी बना रहे हलवा और बस डेली हलवा खाओ। मैं तो 2 दिन से बोर हो गई थी, हलवा खा खा के बोर हो रही हूँ। मम्मी हलवा बना रहे और मतलब जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी है ना, उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि 9th मंथ स्टार्ट होते हलवा स्टार्ट मतलब हलवा खाना चाहिए। बहुत हेल्प करता है नॉर्मल डिलीवरी में, क्योंकि मैंने मायरा के टाइम भी मैंने ऐसे खाया था। और तिल का जो तिल्ली का जो तेल होता है उसका बनाए तो और भी बेस्ट है। तो मैं उसका भी बनाती हूँ और घी का भी बनाती हूँ। जब मेरा मन करता है घी का मतलब बनाने का, तो घी का बना लेते हैं, नहीं तो तिल्ली का तेल का, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मायरा के टाइम मैंने खाया था, इसलिए मतलब मैं बोल रही हूँ कि अच्छा रहता है। तो मैंने अभी भी स्टार्ट कर दिया है, और मैंने बीच में कल नहीं खाया था क्योंकि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। बोर भी तो हो जाता ना यार डेली खा के। तो आज मम्मी ने बोला, और 2 दिन से मैं खुद बना रही थी क्योंकि मैं कभी हलवा बनाया नहीं, तो मैंने सीख भी लिया, तो मैंने खुद बनाया 2-3 दिन। और आज मैंने कल नहीं बनाया, तो आज मम्मी ने बोला कि आज मैं बना देती हूँ, नहीं तो तू नहीं खाएगी। तो आज इसलिए मम्मी बना रहे हैं। और आज मार्केट लगा है, मम्मी सब्जी लाएँगे। तो बस मिलते हैं आपको बाद में, जो भी अपडेट होगी देंगे आपको, और जब आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी पूरा, तो प्लीज़ देखना। मायरा को जगाती हूँ, नहीं रात को सोने नहीं देगी। आज मैं मेरे को खुद को लग रहा है कि मैं आज अच्छी अच्छी लग रही हूँ। जब अपन तैयार नहीं होते ना, और ऐसे फेस ऐसे होता है रोंदू रोंदू सा, तो पता नहीं ऐसा लगता है कि अपन कितने ही बीमार हैं। पर अच्छा अच्छा रहना चाहिए, तो अच्छा अच्छा लगता है। तो चलो अब आपको मिलती हूँ मैं बाद में, फटाफट से मैं हलवा खा लेती हूँ। मम्मी बना रहे हैं आज गुड़ डालेंगे, पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा, तो देखते हैं। बाय बाय। तो मेरा माई उठ गया ना, उठो। और दादी ने देखो हलवा बनाया टेस्टी टेस्टी मम्मा के लिए, आपके लिए बनाया। ठीक है, आप खा लो, तो चलो उठो। तो और पता है गाइस, मायरा है ना मेरी पूरी हेल्प करती है मेरे हर चीज खाने में। इसको ना मैं जूस पीती हूँ ना, तो इसको मतलब मैं तो ऐसे आंखें बंद करके बस पीना होता है मुझे तो, और इसको बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ये पूरा वो काम करती है। और फिर मेपल खाती हूँ तो वो भी खा लेती है, ऐसे एप्पल नहीं खाती है पर खा लेती है। और ड्राई फ्रूट वगैरह खाती हूँ तो वो भी खा लेती है, मखाने खाती हूँ तो वो भी अच्छे से खाती है। और ऐसे जब खिलाते हैं तब नहीं खाती है, और जब से हलवा बन रहा है तो जब से हलवा खा लेती है, टेस्टी टेस्टी अलग लेके खाती है, और साथ में शेयर नहीं करती अपने। ये देखो इसकी भी कटोरी आ चुकी है ना, इसको बहुत ज़्यादा। पहले बेटा पानी पियो, आप अभी उठो ना, पहले पानी पियो थोड़ा सा। सुसु जाना है टॉयलेट?
टूट जाए, थोड़ा सा पानी पी ले, फिर पानी मांगेगा नीबी से। और आज मायू की चोटी ना पापा ने बनाई थी, दिखाना बिट्टू कैसी बनाई थी। नहीं बता। है? अब मैं थोल रहा हूँ, पहले पानी पियो। मैंने खोल दी, खोल दी ना, दूसरी कोई ना, आप दूसरी बनाएंगे, लो पानी पी लो पहले। वो तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, चोटी आपको रखनी नहीं है, मम्मा जैसी चोटी आपकी बनेगी नहीं है, देखना मम्मा जैसी चोटी नहीं बनेगी। गुड्डा गुड्डा, मम्मा को आई लव यू बोल दो। छुच्छू करके आ रहे, ओके जाओ, फिर आप एक बार ओके बोलोगे ना, बोल दो एक बार, बोल दो। ठीक है, दूर से आ रही है तो भाई मायरा को जोर से सुसवा जाएगी, जाओ। तो गाइस ये ना इतना प्यार से ओके बोलती है ना, मैं इसलिए इसके साथ साथ ओके बोलने लग गई। तो देखते हैं टेस्ट करके मम्मी ने कैसा बनाया। मम्मी गुड़ डाला था, गुड़ डाला है, कैसा लगा? सही लगा है, गुड़ का टेस्ट तो आएगा ही। ये देख, अब बोल दो ओते। नहीं बोलेगा, ठीक है पहले खा लो हलवा खा लो। तो आज आज पापा और गुड्डा सब्जी लेके आए हैं भाई, ये देखो चलनी दिखाओ कैसी लाए। चलनी अच्छी लाए, वैसी मजबूत नहीं है, देख ले तू, वैसी मजबूत थोड़ी है। हाँ उतनी मजबूत तो नहीं है, कितने की दी जी? दस रुपए की है। तो गाइस देखो कितनी बड़ी चलनी है, 10 रुपए में दे दी यार, ये तो बढ़िया जुगाड़ है। हाँ उतनी मम्मी अना, और ये तो चलनी भी वो वाली लाए, ये अपने काम की नहीं है। हाँ बहुत मुश्किल से छाछ छनेगी इसमें, डबल डबल वो है देखो, डबल ही आते तो पतला कौन से डबल है, पर ये जिसमें नंबर निकला वो नहीं। कई देर तक संघर्ष करना पड़ेगा। दिखाओ बिट्टू क्या क्या लाए हो। अच्छा अकेले अकेले आइसक्रीम, मम्मा खा ले। संघर्ष ही हो गया आज, संघर्ष हो गया। तो ये डोडा बाबा, ये डोडा नदी में उधर मिर्ची जूं इसको नीचे उतारा था, ये तो हाय लोग करने लगे सेलिब्रिटी को। तो कैसा लग रहा है आज आप सब्जी खरीद के लाए हो? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हां तेल निकल गया, मजे आ गए ना। तो मेरे को तो खिलाओ यार, सूसॉफ्टी भी खा लिया, पॉपकॉर्न भी खा लिया। मिर्ची को लाऊं तेरी देखो ये देखो, ये कौन आया? उन्हों आया। और ये नानी, वापिस घुमाई ना गाड़ी, तब एक जी घबरा गई, वापिस जा रही नानी। तो नानी के पास मत सो बेटा, दादी के पास चल जा। अच्छा अब तो दादी के पास नहीं जाएगा, दादी को भूल गया बदमाश बच्चे। नानी के पास, दादी के पास बहुत दिन हो गए, अब थोड़े दिन नानी के पास में रहेगा, है ना? ये गुड्डा के लिए बिंदी आई है। अरे वाह, ये गुड्डा के लिए बिंदी आई है। और
थैंक यू कौन बोलेगा, इसमें एम ही रख दो, अंदर रख दूंगी ना मैं पर्स पूरा। गुड्डा थैंक यू कौन बोलेगा, गुड्डा थैंक यू कौन बोलेगा नानी को, गुड्डा थैंक यू कौन बोलेगा, ये मेरे ये थैंक यू तो बोलो नानी को, ये भी हग्गा करो, हग्गा करो, थैंक यू बोलो नानी को। कैसा मुंह बना लगा? नानी बोल रही थी ना मत खाओ, आपसे नहीं खाया जाएगा। सर्दी से चढ़ गई, दिखाओ, वाओ सुंदर लग रही है, ये भी मस्त लग रही है। उतार देना, अब रख देना, बाद में पहनना, जब घूमने जाए ना तब पहनना लहंगे के ऊपर। दिखाओ बिंदी, सही लग गई, सही है। कौन सा है? पसंद करेगी। हटकी हटकी लगा ले फटाफट से, फिर रख दो। बात है बेटा, ये बाबू का है, लेटो आप, ये मेरा है, लेटो तो आप, ये छोटा सा तो मेरा है ही। हाँ आप छोटे से तो आपका है ही, मेरा है ये, आप फिर आप बाबू को दे देना। जब आप छोटे थे तब इसमें बैठाते थे, ये तकिया बन जाएगा, अब अपन तकिया बना देंगे इसको, ऐसे करके ऐसे ये यहाँ से सिल देंगे इसको, फिर इसको ऐसे सवा दिया करेंगे ऐसे। अब ऐसे नया मंगवा लेंगे ना, यही चल जाए, क्यों ठाट से बेकार के पैसे दो, थोड़ा दिन के लिए चाहिए। हां ये बिना वास्ते इसलिए मंगाया कि शादी में, हां शादी में यू वाओ इसी चैन खराब नहीं, चैन बिल्कुल ठीक है, पहले ही बिछाओ। मम बोल रही बेड बना लेंगे इसका, ये बेटा अब ये तो गंदी बात है, आप सारी चीजें बाबू की चेक ले रहे हो, आप तो सब चीजें बाबू की ले। ये देखो गाइस, ये सारी चीजें है ना मायरा ने बाबू की ले ली, ये तो दंदी बात है। अब उल्टा उड़ा दिया, अब आंखे उड़ाओ, बोलो आई लव यू, प्रपोजल चल रहा है, आई लव यू प्रपोज कर रही है मम्मी को। गुड्डा नानी तो मेरी मम्मा है, नहीं,
और आ जाना, मैं मेरी मम्मा के पास सोऊंगी, ठीक है? आप अपनी दादी के पास सोना। सो गाइस, मम्मी आ चुकी है। कौन सी बड़ी गुड़िया है? सो गाइस, मतलब मम्मी है ना जो आ चुकी है, मारा ना मम्मी को एक मिनट भी नहीं छोड़ रही है और अभी भी जिद कर रही है कि मैं ना नानी नानी के पास सोऊंगी। मम्मी मेरे पास सो रही है, वो क्या थोड़ा लात वात मारती है इसलिए मैं सुलाती नहीं हूँ अपने पास, तो अब जिद कर रही है और सुबह से मम्मी को ना एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रही है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मम्मी आ गए हैं और अब टेंशन नहीं है, मैं कभी भी हॉस्पिटल चल जाऊँ। नहीं तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मम्मी नहीं आएगी तो उससे पहले अगर जाना पड़ा तो परेशानी हो जाएगी क्योंकि मायरा को कौन रखेगा, पर अभी टेंशन फ्री हो गई मैं। और सो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। छोटा सा वीडियो बनाया है पर चलो कोई ना, तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट, बाय।